हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। आज की डीलरशिप भाई कमाल के स्टॉक लेके आ गए। डीलरशिप की बात करते तो ऊपर देख लो ऑलेक्स ऑटो पे हम लोग आ गए हैं, जहां आज भाई आप लोगों को ढेरों सारी गाड़ी दिखाने वाले। कम से कम आज 16-17 गाड़ी की स्टॉक होने वाली। अगर स्टॉक की बात की जाए तो भाई देखो, वेगनार खड़ी है, ऑल्टो खड़ी है, i10 खड़ी है, ब्रीजा खड़ी है और भाई आपको देख लो दो दो XUV 500 मिलने वाली है। एक है W8 और एक है W10। बाकी आप देख लो उधर में रेनॉल्ट की डस्टर मिलेगी, उसके बाद देख लो। और गाड़ियों की अगर बात की जाए भाई तो हर एक तरह की आज गाड़ी दिखाने वाले। देखो स्टॉक भी देखो, यहाँ पे इधर भी लगी हुई हुंडई की i10, वेगनार लगी हुई है, आप होंडा की होंडा सिटी देख लो। उसके बाद देख लो भाई गाड़ियों की जो अगर बात की जाए ना तो काफ़ी अच्छी गाड़ियों की कलेक्शन है इस बार रखी गई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, हर तरह की गाड़ी दिखाने वाले। कम से कम बजट में फैमिली वाली कार दिखाने वाला हूँ। बाकी आप भाई थोड़ा रईसी हो तो आप इस तरह की भी गाड़ी ले सकते हो। डस्टर भी आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हो। और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग करते नहीं हो, इसी से आप लोग का प्यार पता चलता है कि प्यार कितना करते हो। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी कुछ नहीं चाहिए आप लोग के लिए, बस इतना ही चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग यहाँ से स्टॉक दिखाते हैं और यहाँ मिलेंगे हम लोग, यहाँ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे मिलेंगे और जानते हैं क्या कुछ जानकारी होगा। बढ़िया, एक बार हाई कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, कहाँ पे अभी हम लोग है भैया, थोड़ा एड्रेस बताइए। ये आपका करमटोली जो से जाने वाले जो जेल रोड जाता है रोड, उसमें आपका नया इंडियन का पेट्रोल पंप खुला हुआ बगल में, उससे जस्ट 50 मीटर में आपका दाएं साइड में शोरूम है हमारा। क्या कुछ स्टॉक लेके आए भैया? स्टॉक में हमारे पास i20 से लेके ऑल्टो से लेके ब्रेजा, XUV, होंडा सिटी, वरना सब मिलेगी, सारे मिलेगी। आज स्टार्टिंग कीमत क्या होने वाली है? स्टार्टिंग कीमत आज हमारे पास होने वाली है आपके 60,000। बस तो भाई मात्र 60,000 में ले जाइए। चलिए भैया, बाकी हम लोग जो जितना भी फाइनेंस वगैरह का सबसे लास्ट में हम लोग पूछ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ शुरू करने? तो चलिए हम लोग पहली गाड़ी वेगनार दिखाते हैं, क्या डिटेल्स होगी भैया वो बताइए। जो 17 का मॉडल है, ओके, ऑटोमेटिक है। ओके, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है आपका, मात्र चला हुआ मात्र 20,000 समथिंग चला हुआ है। 20,000 समथिंग, बहुत कम चली हुई, बहुत कम। 17 की गाड़ी 20,000 चली हुई, मतलब बहुत मेंटेन में रखा गया है। ठीक है, ओरिजिनल कलर होगा या फिर थोड़ा ओरिजिनल पेंट में फुल बॉडी हल्का फुल्का बम्पर टचअप जैसे दिख रहा होगा, स्क्रैच हल्का फुल्का, मतलब ये जो है वो सारा कुछ करवा दीजिएगा। अगर अगर करना होगा टचअप वगैरह तो करवा देंगे हम लोग। ठीक है, गाड़ी में कोई तरह से खर्च भी है? गाड़ी में ओनरशिप कौन सी होगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट, कोई तरह से खर्च? गाड़ी में कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है। नंबर की बात की जाए तो भाई रांची नंबर मिल जाएगी। चलिए भैया थोड़ा इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा वो बताइए। इंटीरियर आपको सारी कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, आपको एसी वगैरह सब ओरिजिनल है, चला हुआ है, सब चिल्ड एसी है, ओरिजिनल सीट मिल जाएगा, लेदर का सीट कवर मिल रहा है इसमें आपको। तो भाई इस तरह का देख सकते हो सारा कुछ आपको मिलने वाला। चलिए भी आप जानते हैं इसकी कीमत, क्या कीमत होगी भाइयों के लिए, क्या स्कीम कोट की जा रही है? कीमत मात्र 3,90,000 है। 3,90,000 17 की गाड़ी, मतलब फाइनेंस वगैरह भी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई फाइनेंस भी करा सकते हो। चलिए अगली गाड़ी को और बढ़ते भैया, अगली गाड़ी हमारे पास मारुति की जो बोलते हैं ना जीरो मेंटेनेंस वाली गाड़ी, बिल्कुल ऑल्टो, ऑल्टो 800 है। कब की गाड़ी है भैया वो बताइए? 2017 की गाड़ी है, आपका चला हुआ है 53,000 चला हुआ है, और आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस वगैरह होगी क्या भैया? सब कुछ मिल जाएगी। तो भाई इंश्योरेंस वगैरह होगी, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी होगी, आप नंबर यहाँ से देख सकते हो। बम्पर वगैरह लग रहा है, टचअप वगैरह? बम्पर वगैरह टचअप रहता है, टचअप किया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई तरह से गाड़ी में खर्च भी है? कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं। इंश्योरेंस होगी ना? इंश्योरेंस इसमें होगी? हाँ बिल्कुल इंश्योरेंस होगी। चलिए इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है भैया जरा बताइएगा। कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, एसी मिल रहा है, आगे दोनों पावर विंडो मिल जाएगा इसमें, पीछे का इसमें पावर विंडो नहीं होता, आगे दोनों का होता है। चलिए तो भाई आगे का मिल जाएगी, बाकी बात की जाए भाई तो पीछे से भी देख लो, ऑल्टो 800 गाड़ी देख लो, पीछे भी बम्पर टचअप होगी क्या भैया? हल्का फुल्का स्क्रैच वगैरह रहता है थोड़ा बहुत। चलिए तो भाई नंबर देख सकते हो आप, नंबर से सारा कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर किलोमीटर भैया कोई तरह से इसमें ये नहीं होगा, फुल ओरिजिनल मीटर मिलेगा आपको, फुल ओरिजिनल बिल्कुल जो होगा वो सारा। ठीक है,
क्या आस्किंग कोट की जा रही है? इसका आस्किंग प्राइस मात्र 2,80,000 है। 2,80,000 इसमें भी फाइनेंस हो जाएगी और नेगोशिएशन भी है प्राइस में। बाकी नेगोशिएबल भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो क्या एक्स्ट्रा कर दीजिएगा? बिल्कुल डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। पक्का? पक्का। तो भाई अगर नहीं करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, भैया से बात कर लेंगे। चलिए अगली गाड़ी को आते भैया। अगली गाड़ी हुंडई की ओर से i10 लग रही है क्या? i20। अच्छा i20 है, तो भाई i20 है, क्या डिटेल्स होगी भैया? वो i20 2015 का i20 है, टॉप मॉडल आस्टा है। टॉप मॉडल? हाँ टॉप मॉडल आस्टा टॉप मॉडल है। रांची रजिस्ट्रेशन होगी, किलोमीटर वगैरह मात्र चली हुई है 52,000 समथिंग। 52,000 गाड़ी में कोई तरह से खर्च? गाड़ी में कोई खर्च नहीं है कहीं से भी। ओनर सीरियल कौन सी होगी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट, तो भाई इस तरह का अलॉय वगैरह सारा कुछ होगी? नहीं। टॉप मॉडल कौन सी आती है भैया इसकी? आस्टा। आस्टा मतलब ये टॉप मॉडल? टॉप मॉडल है। तो भाई टॉप ही मॉडल है इस तरह का, देख सकते हो ओरिजिनल कलर में या फिर टचअप वगैरह होगा? और गाड़ी फुल ओरिजिनल? फुल ओरिजिनल में है। तो भाई देख लो, नंबर भी देख सकते हो, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी मिलेगी। चलिए भैया थोड़ा इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है भाइयों को वो बताइए। एयरबैग आपको सारा माउंट कंट्रोल मिल जाएगा, साउंड सिस्टम सबको वहाँ से मॉडरेट कर सकते हैं आप। अब बताइए कीमत क्या आस्किंग कोट की जा रही है? इसकी प्राइस मात्र 4,80,000 है। 4,80,000 2015 की मॉडल है भाई, तो फाइनेंस भी करा दीजिएगा। बिल्कुल। तो भाई 1,50,000 रुपया तो फाइनेंस भी करा सकते हो। चलिए अगली गाड़ी हम लोग आ गए हैं, जो एक्चुअल में मारुति की एक्सयूवी है, मारुति ब्रिजा, जो कि सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक आती है मारुति की। क्या डिटेल्स होगी भैया जरा बताइए? 2019 की गाड़ी है। ओके। मात्र 27,000 चली हुई है। मात्र? मात्र। और डीजल वेरिएंट में 27,000 चली हुई है। नंबर कहाँ की होगी भैया? ये आपका 02 हजारीबाग नंबर। हजारीबाग नंबर होगी। गाड़ी में कोई तरह से खर्चा भैया? कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नई गाड़ी में कंडीशन। और अपने आप में एक तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, एकदम जो बोलते गाड़ियों में कोई तरह से खर्चा वगैरह? गाड़ी में कोई खर्च नहीं भैया। ओरिजिनल कलर या फिर रिपेंट है? गाड़ी ओरिजिनल कलर में, हल्का फुल्का कहीं कहीं टचअप है, मतलब बम्पर वगैरह में। ठीक है, जमशेदपुर की नंबर गाड़ी है। चलिए भैया थोड़ा इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा वो बताइए इसमें? इंटीरियर में सब कुछ आपको माउंट कंट्रोल मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। ओके। और 2 एयरबैग मिल जाएगा आपको, आगे स्क्रीन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी सिस्टम है। अच्छा ऑटोमेटिक एसी सिस्टम है। बाकी अगर देख लो भाई अपने आप में 1.6 है ना भैया? यस 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 1.6 है। नंबर भी देख लो भाई, यूनिक नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ से। चलिए इस तरह का आपको यहाँ से कंडीशन मिल चल रही होगा भैया? गाड़ी में कोई खर्च नहीं भैया, सारा कुछ। तेल डालिए और चलाइए, तेल डालिए, पेट्रोल डालिए, लेके जाइए। कीमत बताइए भैया, क्या कीमत होगी? इसका दाम है भैया आपका 8,00,000। 8,00,000 थोड़ा बहुत भाइयों के लिए कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आओ यहाँ, थोड़ा बहुत आपको कर दिया जाएगा। अगली गाड़ी को आते हैं, तो अगली गाड़ी फिर से हमारे पास वेगनार आ जाती है, मतलब आज 2 वेगनार हम लोग देखे भैया। हाँ। इसकी क्या डिटेल्स होगी वो बताइए? 2016 की मॉडल है। ओके। और ये मात्र 32,000 चली हुई है, और गाड़ी फर्स्ट ओनर में। गाड़ी फर्स्ट ओनर, गाड़ी में हल्का बस बम्पर, हल्का फुल्का बम्पर वगैरह टचअप होगा। इंश्योरेंस वगैरह होगा क्या? इंश्योरेंस है इसमें। वरना में इंश्योरेंस थी या नहीं? वरना में भी इंश्योरेंस आपका है भैया? है, इसमें भी है। ठीक है, व्हाइट कलर में देख लो भाई, थोड़ा बहुत बम्पर वगैरह लग रहा है, टचअप है ना। नंबर देख लो, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी होगी। कोई तरह से खर्च भैया? गाड़ी में कोई खर्च नहीं। ओनर सीरियल फर्स्ट, इसमें कंपनी फिटेड अलॉय व्हील भी अलग से लगी हुई है। अच्छा, कंपनी फिटेड अलॉय भी यहां से लगी हुई भाई, तो इस तरह का देख सकते हो। गाड़ी देखो अच्छी कंडीशन में। अब बताइए भैया इसकी कीमत, क्या कीमत होगी? कीमत मात्र 3,60,000 है। 3,60,000 फाइनेंस भी करा दी? बिल्कुल। तो भाई आओ लेके जाओ। चलिए अगली गाड़ी हम लोग आते हैं, जो एक्चुअल सेडान बोलती है ना भैया, वो हम लोग लेके आए होंडा की होंडा सिटी, क्योंकि काफ़ी डिमांड होती है भाइयों की सेडान में ये, और सेडान में बहुत सारे लोग खोजते हैं और पर्सनली कमेंट करते भैया कि होंडा के सिटी वगैरह लाइए, तो हम लोग लेके आ गए। कौन सी है भैया उसकी? ये होंडा हाईटेक है ना, डीजल मॉडल है। डीजल मॉडल में व्हाइट कलर में ओरिजिनल होगी या फिर थोड़ा बहुत टचअप वगैरह? वो गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, हल्का फुल्का बम्पर टचअप ही रहता है, क्योंकि स्क्रैच और रांची में चले गाड़ी और स्क्रैच। बिल्कुल, शहर में चलती है भाई तो थोड़ा बहुत लगेगी। बताइए डिटेल्स बताइए भैया, क्या गाड़ी 2014 की है, आपको सेकंड टॉप मॉडल है। सेकंड टॉप मॉडल है। ओके। हजारीबाग नंबर होगी? हजारीबाग नंबर, और ये चली हुई है मात्र आपका 83,000। 83,000 ओनर सीरियल कौन सी होगी? ओनर फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट, कोई तरह से खर्च? कुछ नहीं। ठीक है, इंश्योरेंस होगी क्या भैया? इंश्योरेंस का लैप्स हुआ है। इंश्योरेंस लैप्स है, तो वो खुद से कराना होगा या फिर? या वो डिसाइड हो जाएगा, टेबल ऑन टेबल बैठने का, ऑन टेबल आओ, सारा कुछ होगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से इंटीरियर दिखाता हूँ, तो इंटीरियर में क्या कुछ? एयरबैग वगैरह भी आती है ना भैया इसमें? सब कुछ। तो भाई देख लो, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, माउंटिंग कंट्रोल यहां से मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा इसमें, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाती है। बाकी देख लो सारा कुछ, इंटीरियर एकदम फ्रेश कंडीशन में है। तो भाई जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए हो भाई आओ, आके ले जा सकते हो। बाकी यहां आप देख सकते हो iVTEC है ना भैया? iVTEC है। हाँ, तो इस तरह का देख सकते हो। नंबर भी देख लो भाई, यूनिक है इसका। आप सर्विस सेंटर में इसकी क्या डिटेल्स है वो भी सारा कुछ निकाल सकते हो। किलोमीटर वगैरह में तो कुछ वैसा होगा नहीं भैया, जो होगा आपको
ओरिजिनल है, डाउट आप चेक करवा सकते हो। डाउट है भाई, इसके सर्विस सेंटर में जाओ, चेक करा लो। कीमत बताइए भैया, क्या कीमत इसका? मात्र 4,50,000 है। 4,50,000? तो भाई 4,50,000 में इसमें फाइनेंस भी होगी क्या? फाइनेंस हो जाएगी। हो जाएगी? कितने साल की हो जाएगी भैया इसमें? तो आपका लगभग 3 साल का फाइनेंस। तो चलिए भैया, हम लोग लेके आ गए हैं अगली गाड़ी। भाइयों की बहुत कमेंट होती है महिंद्रा की XUV500। कौन सी है भैया उसकी, वो बताइए। ये आपको W10 है। W10 सनरूफ तो नहीं होगी इसमें? सनरूफ है इसमें। सनरूफ है बिल्कुल। तो भाई विद सनरूफ के साथ है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट बिल्कुल ठीक है। ब्लैक में ओरिजिनल कलर है बिल्कुल। डिटेल्स बता दीजिए, क्या डिटेल्स? 15 का मॉडल है। हाँ, ये मात्र आपका 64,500 चला हुआ है। मात्र सर्विस रिकॉर्ड निकल जाए बिल्कुल ठीक है। ऑनर सीरियल? ऑनर सीरियल फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट। इंटीरियर में क्या कुछ मिलेगा भैया? सब कुछ आपको माउंट कंट्रोल मिल जाएगा इसमें, सब कुछ है, एयरबैग मिल जाएगा। थोड़ा देखते हैं भैया। तो चलिए इंटीरियर देखते हैं भाई। तो इंटीरियर देख लो भाई, एकदम फ्रेश कंडीशन जो बोलते हैं ना वो लगने वाले। जिसकी अगर कलर टोन की बात की जाए, डुअल टोन में बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई इस तरह स्क्रीन वगैरह मिल जाएगा आपको, सारा सोर्स कंडीशन मिल जाएगा भाई। सनरूफ देख लो, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा इसमें, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगी। और भाई सनरूफ देख लो इस तरह का। बाकी सीट वगैरह कंडीशन तो बोल सकते हैं अच्छी अच्छी। कितना सीटर है? 7 सीटर। 7 सीटर है। तो भाई 7 सीटर है इस तरह का, देख सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। तो भाई पीछे से देख लो, महिंद्रा की यहाँ बैच मिल जाती है XUV500W10 with सेंसर वगैरह भी रहती है ना सारा कुछ। हाँ, भैया ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में है। ऑनर सीरियल फर्स्ट होगी भैया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई तरह से गाड़ी में खर्च भैया? गाड़ी में कोई खर्च नहीं भैया, कोई खर्च नहीं है। अलॉय वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। अब भैया बताइए दीजिए कीमत, क्या कीमत होगी? इसका मात्र 9.5 लाख है। 9.5 लाख फाइनेंस भी करा दीजिए बिल्कुल। तो भाई फाइनेंस भी हो जाएगा। एक बार नंबर देख लो, नंबर से आप यहाँ से सारा कुछ चेक कर सकते हो। रांची नंबर गाड़ी होगी और भाई ब्लैक कलर में तो अपने आप में लगती है। तो रोड प्रेजेंस भी गजब की है भैया। स्विफ्ट कब की गाड़ी है भैया? 2016 की टॉप मॉडल है। डीजल टॉप मॉडल है। ओके, ZDI ये चली हुई है मात्र 58,000। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, हल्का फुला बम्पर टचअप वगैरह है थोड़ा बहुत। ओके, रांची नंबर गाड़ी, रांची नंबर गाड़ी है ठीक है। गाड़ी में कोई तरह से खर्चा भैया? गाड़ी में कोई खर्च नहीं है। इंश्योरेंस होगी क्या इसमें? इंश्योरेंस इसका आपका है? आपका है बिल्कुल। कब तक की इंश्योरेंस है भैया? ये आपका इंश्योरेंस लगभग मुझे लगता है आपका जनवरी तक की, अगले नेक्स्ट जनवरी की है सर। ठीक है, क्या कीमत रखी गई वो बताइए? कीमत मात्र 4,25,000। गाड़ी हम लोग लेके आ गए, फिर से हम लोग आज दो वेरिएंट में XUV दिखा रहे हैं। ये कौन सी है भैया? ये W8 है, 2015 की भी है। पहला दिखाया था W10, W8 है। इसकी क्या डिटेल्स होगी वो बताइए? ये 2015 की गाड़ी है। हाँ? ये लगभग 77,000 के अराउंड चली हुई है। और गाड़ी फर्स्ट ओनर में ये भी है। और गाड़ी फुली कंडीशन में, फुल कंडीशन में। कोई तरह से खर्चा वगैरह? कोई कुछ कोई खर्च नहीं है, जो होगा ओरिजिनल है बिल्कुल ठीक है। रांची नंबर गाड़ी होगी। अब बताइए भैया इंश्योरेंस होगी क्या इसमें? इसका इंश्योरेंस वो पेपर होगा तो बिल्कुल दिखा देंगे आपको। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि भैया ने सारी गाड़ियों की डिटेल बहुत अच्छे से बताया। और जिनकी लिए भाइयों को लगता है कि बेहतर जानकारी है, आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, देखिए, टेस्ट ड्राइव वगैरह लीजिए, उसके बाद ले जाइए। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहेंगे भाई, जो भी गाड़ी आप लोग लेते हो सेकेंड हैंड, तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिए। टेस्ट ड्राइव से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर चलाने जानते हो तो थोड़ा बहुत आपको गाड़ी के बारे में पता चल जाएगा। अब बताइए भैया फाइनेंस वगैरह तो व्यवस्था हो जाएगी? सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। कितना परसेंट कम से कम डाउन पेमेंट? 30% डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 30% कम से कम। इंश्योरेंस और फाइनेंस की क्या ये इंश्योरेंस की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है? अगर इंश्योरेंस किसी गाड़ी में नहीं है तो हम लोग करवा देते हैं यहाँ पे, वो चार्ज पार्टी की लगेगी अगर वो करवाना चाहते हैं ठीक है। और नाम ट्रांसफर भी है? नाम ट्रांसफर का चार्ज अलग से लगती है किसी भी गाड़ियों में।